नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का कई बार मुझे ये सवाल आया है कि जो धनुषी धूप के जो ज्योति यानी कि बाती जो है वो तो हम मंत्र, जैसे मैंने धूप ज्योति या फिर दीप ज्योति के मंत्र आप लोगों को बता दिए हैं, तो उस मंत्र के माध्यम से तो हम जला रहे हैं, पर इसके बारे में यानी कि इस बाती के विषय में, जिस बाती से हम ये ज्योति जला रहे हैं उसके बारे में आगम में असल में क्या कहा गया है, यानी कि किस प्रकार के बाती होना चाहिए जिस बाती से जलाने से जो है ना धुनची धूप जो है वो देव धूप हो जाता है, यानी कि उस बाती, क्योंकि कई लोग कई प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है ना धुनची धूप जलाते हैं, क्योंकि उन्हें जो है उस चीज़ की संपूर्णता से जानकारी नहीं होती है। तो आप लोगों में से कई बार ये सवाल मुझे कई लोगों का ये मिला है कि आगम में जो है धुनची धूप किस प्रकार की बाती से जलानी चाहिए, उसकी ज्योति जो है किस बाती से प्रज्वलन करना चाहिए, इस बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर स्पष्टता से कहा गया है दोस्तों बाती के विषय में कि वर्त्या कर्पूर गर्भिण्या शर्पीषा तिल जेनेवा, वर्त्या कर्पूर गर्भिण्या शर्पीषा तिल जेनेवा, अर्थात जो है आप कपूर के बाती यानी कि कपूर से आप प्रज्वलित कर सकते हैं, शर्पीषा यानी कि पिघला हुआ जो घी है आप उससे प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल के तेल के बाती से भी जो है आप धुनची धूप जो है ना वो प्रज्वलन कर सकते हैं दोस्तों। तो वर्त्या कर्पूर गर्भिण्या शर्पीषा तिल जेनेवा, आप जो है कपूर से आप जला लीजिए, घी के बाती से जला सकते हैं या तिल के तेल के बाती से जला सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जैसे आप लोगों को हर बार यही कहता हूँ कि घी के जो बाती है उससे अगर आप ज्योति प्रज्वलन आदि करते हैं, यानी कि धुनची धूप के आप या फिर धूप बना दी, जब भी आप कुछ भी कर रहे हैं, अखंड धूप भी आप धूप धुनी भी जला रहे, तो अगर आप उसमें घी के बाती से करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि वो पॉजिटिव होता है सबसे बड़ी बात। और क्या होता है, वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब घी के बाती के जो अग्नि है ना वो आपकी धुनची धूप को जलाने में, देखिएगा आप लोग जो लोग करते हैं और जिन लोगों ने नहीं किए हैं अब तक वो एक बार करके देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से ना बहुत धीमे धीमे तरीके से धुनची धूप को प्रज्वलित होने में सहायता करता है। कपूर में क्या होता है वो थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है, पर घी के बाती से जो है ना ये बहुत अच्छा होता है। मैं तिल के तेल के बाती का वैसे बहुत कम ही इस्तेमाल करता हूँ, करता ही नहीं हूँ उस तरह से अगर देखा जाए तो। धूप के विषय में मैं घी के बाती ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, मैं तिल के तेल या फिर कपूर भी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, पर हाँ कपूर इस्तेमाल कर लेता हूँ, पर तिल के बाती का मैं उतना इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं धूप के विषय में तिल के दीपक आदि जलाता हूँ, मैं आरती के दीपक भी जलाता हूँ, पर जो धुनची धूप जब मैं प्रज्वलन कर रहा हूँ तब हमेशा मैं घी के बाती ही जो है ना वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप जिन लोगों ने भी जलाए हैं ना घी के बाती से धुनची धूप, तो उन लोगों अपने से उन लोगों को तो समझ में आ ही गया है कि मैं क्यों कहता हूँ इस विषय में। और जिन लोगों ने जलाया नहीं है अभी तक वो लोग एक बार प्रज्वलन करके देखिएगा, आप लोगों को भी जो है ना बहुत आसानी से विषय समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों कहता हूँ। घी के बाती बहुत अच्छे तरीके से जो है ना प्रज्वलित होने में, मतलब एक बार में बहुत ज़्यादा धुआं आदि ये सब कुछ नहीं होता, और आप जो भी सारे धूप सामग्री आदि धुनची में डाल रहे हैं ना वो भी बहुत अच्छे तरीके से जो है ना प्रज्वलित होकर जो है एक सुगंधित धुआं जो है ना उत्पन्न करता है। पर जैसे कि यहाँ पर आगम में कहा गया है कि वर्त्या कर्पूर गर्भिण्या शर्पीषा तिल जेनेवा, अर्थात आप जो है कपूर से घी के बाती से या तिल के तेल के बाती से जो है आप बाती प्रज्वलन कर सकते, यानी कि धुनची धूप के जो बाती है वो आप लगा सकते, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर घी के विषय में, घी के बाती के विषय में मैं पर्सनली आप लोगों से जो है इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो एक बहुत सही तरीका होता है, इसीलिए कहता हूँ। पर आप जो है कर्पूर से भी जला सकते और तिल के बाती से भी जो है जला सकते दोस्तों, कोई समस्या नहीं। बाती जो है ना एक्चुअल में दीपक के बाती भी जिस प्रकार से है, ये बाती भी उसी प्रकार से धुनची धूप जलाने की बाती भी जो है ना उसी प्रकार से, जैसे कि मैंने आप लोगों को कई बार कई वीडियो में बताया है ना कि धुनची धूप जो है कई जगह पर एक दीपक जो उपचार की पूजा के एक दीपक नहीं जलाए जाते, पर वहाँ पर ये ज्योति प्रज्वलन करके जो है ना ये बाती में जो है ज्योति प्रज्वलन करके ही जो है धुनची धूप जलाए जाते, तो वो
दीप के भी, क्योंकि उसमें ज्योति है तो धूप दीप दोनों के ज्योति जो है ना वो भगवान को उसके माध्यम से दिखाए जाते। तो बाती के विषय जो है वो दीप के विषय में भी जो है, धुन जी धूप जलाने के विषय में भी जो है, यानी कि जो यज्ञ धूप आप बोल सकते एक प्रकार से, तो यज्ञ धूप जलाने के विषय में भी जो है एक ही प्रकार की है कि वर्त्या कर्पूर गर्भिण्या शर्पिषा तिल जनेवा, अर्थात कपूर के बाती, घी के बाती या पर तिल के तेल के बाती से जो है ना आप धुनजी धूप प्रज्वलन कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप बाती जलाइएगा, उसके बाद जो है आप नारियल छिलके आदि दीजिएगा, उसके बाद उसमें थोड़ा सा घी दीजिएगा, उसके बाद जो है सामग्री आदि दीजिएगा, उसके बाद अगर आप लोग एक्स्ट्रा घी सामग्री आदि देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है पद्धति धुनजी धूप जलाने का, और आगम में भी यही कहा गया है, बाती के विषय में धूप दीप दोनों के विषय में भी यही कहा गया है। तो जब भी आप जो है धुनची धूप के बाती आप लगाएंगे, धुनची धूप जो है जब आप बाती से जला रहे हैं तो उसमें आपको वर्त्या कर्पूर गर्भिण्या यानी कि कपूर के बाती, शर्पिषा तिल जनेवा घी के या फिर तिल के बाती आप दे सकते हैं दोस्तों। पर मैं फिर भी आपको कहूँगा कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप घी के बाती से ही जला पाते तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। ये क्योंकि मैं करता हूँ तो इसलिए जो है ना इसमें मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है, और इसके पीछे का कई लोगों ने मुझे कई बार पूछा है कि क्यों मैं कहता हूँ, तो मैंने उन्हें समझा भी दिया है इस विषय में। तो आप ये करके देख सकते हैं, या फिर जो है आप इन तीनों में से कपूर के घी के या तिल के तेल के कुछ भी जला सकते हैं दोस्तों। तो बाती के विषय में, धुनची धूप के बाती के विषय में यही है। मुझे लगता है आप लोगों को ये विषय जो है समझ पे आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों इस बारे में अगर आप लोगों का फिर भी और कोई सवाल आदि है तो आप मुझे जो है ना कमेंट्स के जरिए या फिर मेल करके जो है पूछ सकते हैं। और इस धुनची धूप के बारे में अगर आप लोगों के मन में और कोई सवाल हो तो आप लोग हमेशा मुझे कमेंट्स करके या फिर जो है मेल करके भी जो है ना बता सकते हैं दोस्तों। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धुनची धूप यानी कि जो धूप पूजन आदि आराधना के बारे में ज्यादा से ज्यादा विषय को जो है ना आप लोगों के सामने लाने की, आप लोगों की सहयोग भी जो है ना इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका रखती है दोस्तों। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।